हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वायरलेस आईक्यू क्लासेस में। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। दोस्तों, आपके अगर नंबर 85 बन रहे हैं या 90 बन रहे हैं तो अब आपको क्या करना पड़ेगा। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये तो कट ऑफ पर डिपेंड है कितनी कट ऑफ जाएगी। तो लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपके 85 नंबर हैं तो बहुत ही मुश्किल चांस है। अगर आप यूपी, बिहार, राजस्थान वगैरह राज्य से हैं तो इसमें तो मिलने की संभावना बहुत ही कम है। क्या है कि कंपटीशन बहुत ही बढ़ गया है। हर लेवल का एक बच्चा पेपर देता है, चाहे वो सीजीएल तैयारी कर रहा है, सोच रहा है कि एक गवर्नमेंट जॉब पहले मिल जाए, बाकी बाद में देखा जाएगा। तो मेरी तो ट्रेनिंग स्टार्ट है एसएससी जीडी में, सिलेक्शन 2021 में हुआ था। अब मेरी ट्रेनिंग यहाँ पर चल रही है, और ट्रेनिंग वही लगभग मेरी ढाई ढाई महीने हो गई है। तो मेरी 6 महीने की ट्रेनिंग है। अगर आप बाकी अदर फोर्स की 11 महीने की है, मेरे एसएसएफ में है तो 6 महीने की ट्रेनिंग है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले चांस। तो अगर आप यूपी से हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, यूपी पुलिस कांस्टेबल आने वाली है। तो लगभग वही 40,000 पद तो उसमें होंगे ही होंगे। तो अब आपको बिल्कुल तैयारी भरपूर करनी है यूपी पुलिस की। नंबर टू पे क्या है, आपको आरपीएफ कांस्टेबल वैकेंसी आने वाली है। आप उस पर कांस्टेबल और एसआई दोनों आने वाली हैं, तो आप 100% उस पर भी सिलेक्शन ले सकते हैं। तो अगर आपके नंबर कम है तो आप ये मत सोचे कि नहीं होगा नहीं होगा, तो आप कंटिन्यूसली पढ़ाई करते, क्योंकि क्या है, सेम पैटर्न है, सब कुछ सेम। मैथ तो सेम होती है। अगर आप प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं, परसेंटेज पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो आपको सारा टॉपिक सेम सेम होता है। तो आपको बस क्या करना है, बस पढ़ाई करना है कंटिन्यूसली। तो आप हताश तो बिल्कुल मत होइए, आपके पास बहुत सारी वैकेंसियां हैं, और जीडी इसके बाद भी 2024 में आने वाली हैं। तो आप इसमें तो आप अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप 100% आपका उसमें तो सिलेक्शन होगा ही होगा। तो हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल ही आप कंटिन्यूसली पढ़ाई करते रहिए, सारा सेम प्रोसीजर है, सारा आपका 100% सिलेक्शन होगा। पहले मेरा भी मुझे लगता था क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अब जब हो गया तो लगता है हाँ कुछ अचीव किया है पढ़ाई को भी। आप कंटिन्यूसली आगे भी पढ़ते रहिए, आप डायरेक्ट एसआई इंस्पेक्टर तक भी आगे पोस्ट आपको मिलती जाएगी अगर आप पढ़ाई करते रहेंगे तो ठीक है। फिर टाइम बहुत कम मिल पाता है, कभी कभी टाइम मिलता है तो वीडियो बना देता हूँ। ओके, फिर थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।